हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट्स मेशर। लेट्स सी द कॉन्सेप्ट ऑफ पाइपलाइनिंग। पाइपलाइनिंग कॉन्सेप्ट जो है आजकल सभी प्रोसेसर्स में यूज होता है। बिफोर वी गो टू द डिटेल्स ऑफ द पाइपलाइनिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज द नीड ऑफ पाइपलाइनिंग। बिकॉज आज के टाइम पे सभी लोग चाहते हैं कि देयर सीपीयू शुड वर्क फास्टर एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द सीपीयू शुड बी वेरी हाई। तो अगर सीपीयू की परफॉर्मेंस को हम बहुत ज़्यादा हाई करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं? या तो मैं फास्टर सर्किट, मतलब एक मेथड क्या हो सकता है कि जो सर्किट है, सर्किट्स को मैं चेंज करूं और फास्टर सर्किट्स को मैं इंप्लीमेंट करूं, इंस्टॉल करूं अपने सीपीयू में। और दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि मैं सॉफ्टवेयर को या हार्डवेयर जो है मेरे पास, उस हार्डवेयर को इस तरीके से अरेंज करें कि मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस एक ही टाइम पे एग्जीक्यूट हो सकें। अब जो पहला मेथड है कि मैं सारे सर्किट को ही अगर चेंज कर दूं तो वो मेथड जो है वो बहुत ही कॉस्टली पड़ता है। बिकॉज अगर मैं प्रोसेसर चेंज करता हूँ, लाइक i3 टू i5 पे जा रहा हूँ या i7 पे जा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मेरी कॉस्ट जो है वो सिस्टम की बढ़ जाती है। तो हम कॉस्ट को अगर यहाँ पे ध्यान में रखें तो हम कौन सा ऐसा मेथड यूज कर सकते हैं जिससे मेरी कॉस्ट भी ना बढ़े और एग्जिस्टिंग हार्डवेयर में ही हम कुछ चेंज करके हम परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकें। तो उस चीज के लिए हम यूज करते हैं पाइपलाइनिंग। तो पाइपलाइनिंग हेल्प करता है कि हमें कोई हार्डवेयर को चेंज नहीं करना, सर्किट को हमें नया नहीं लेके आना, उसी सर्किट को हमें इस तरीके से अरेंज करना है पाइप के तरीके, मतलब इट इज जस्ट लाइक अ पाइप कि जहां पे एक इनपुट है और एक आउटपुट है। और इस पाइप में होगा क्या, देयर विल बी डिफरेंट स्टेजेस इन द पाइप, और सारी स्टेजेस जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। इसको हम बहुत ही एक सिंपल से एग्जांपल से देखते हैं। अगर हम बात करें लाइक ड्राइव थ्रू की, मतलब मैकडी या KFC या बर्गर किंग, इनके क्या होते हैं, ड्राइव थ्रू होते हैं। तो अगर आपने ड्राइव थ्रू देखा हो तो किस तरीके से होता है, मतलब अगर ये बिल्डिंग है ड्राइव थ्रू की, तो उसमें क्या होता है कि लाइक तीन विंडो है। पहली विंडो में हम क्या दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, दूसरी विंडो में हम पेमेंट कर रहे हैं, और तीसरी विंडो से हम ऑर्डर को रिसीव कर रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट कैसे चलता है वहां पे कि कार इस तरीके से जाती है, पहले ऑर्डर देती है, ऑर्डर देने के बाद कार यहाँ पे मूव करती है और वहां पे पेमेंट दी जाती है। आफ्टर द पेमेंट कार जो है यहाँ पे मूव करती है और अपना जो ऑर्डर है वो रिसीव किया और यहां से कार जो है एग्जिट कर जाती है। अब अगर इस केस में पाइपलाइनिंग नहीं होगा, मतलब अगर मैं पाइपलाइनिंग को यूज नहीं करता तो ये काम कैसे करेगा? अगर मेरी कार वन अगर एंटर कर रही है तो कार वन ने सबसे पहले क्या देना, ऑर्डर। ऑर्डर के बाद वो कहां जाएगी, पेमेंट पे। पेमेंट के बाद कहां जाएगी, रिसीव करेगी अपना ऑर्डर। और उसके बाद कार जब एग्जिट, मतलब जब वो एग्जिट करेगी कार, उसके बाद एक नई कार एंटर करेगी। लेकिन अगर आपने देखा हो रियल लाइफ में तो ऐसा नहीं होता। वहां पे कैसे कॉन्सेप्ट चलता है कि एक कार के पीछे दूसरी कार है, जैसी एक कार ने ऑर्डर दिया दूसरी कार ने जो है वो उस पाथ में एंटर किया, फिर जब वो पहली कार यहां पे मूव की पेमेंट पे तो दूसरी कार उस टाइम पे ऑर्डर दे रही है। जब पहली कार रिसीव कर रही है अपना ऑर्डर तो दूसरी कार क्या कर रही है, वहां पे पेमेंट कर रही है, और तीसरी कार ऑर्डर दे रही है। और जब पहली कार यहां से निकल गई, मतलब इस तरीके से जो है वो कार जो है वो मूव करती है, इससे जो टाइम है वहां पे टाइम जो है वो मेरा सेव हो रहा है, परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो अगर इसको हम पाइपलाइनिंग के कॉन्सेप्ट से देखें तो मेरे पास तीन स्टेजेस हैं। सबसे पहले अगर स्टेजेस की बात करें तो एक स्टेज है, अगर कार वन आ रही है, कार वन सबसे पहले ऑर्डर दे रही है, मतलब सबसे पहले किस स्टेज पे गई, ऑर्डर पे, उसके बाद पेमेंट पे, पेमेंट के बाद रिसीव किया अपना ऑर्डर। उसके बाद जब कार टू आई, लेट्स से कि कार टू अभी अगर आ रही है उस टाइम पे, तो कार टू एक ही टाइम पे ऑर्डर नहीं दे सकती दो कार, बिकॉज ऑब्वियसली एक टाइम पे एक कार ही ऑर्डर देगी, तो यानी दूसरी कार को यहां पे ऑर्डर नहीं दे सकती। लेकिन जब पहली कार पेमेंट कर रही है उस टाइम पे दूसरी कार तो ऑर्डर दे ही सकती है। Yes, this is the concept. और जब पहली कार जो है वो रिसीव कर रही है अपना ऑर्डर, उस टाइम पे दूसरी कार क्या दे रही है, यहां पे पेमेंट। और इतने में अगर कार थ्री भी आ रही है तो कार थ्री यहां पे ऑर्डर तो दे नहीं सकती, बिकॉज यहां पे कार वन ऑर्डर दे रही है, यहां पे कार टू ऑर्डर दे रही है, लेकिन इस पॉइंट पे तो ऑर्डर दे सकते हैं, बिकॉज इस टाइम पे कार टू
पेमेंट कर रही है और कार वन रिसीव कर रही है अपना ऑर्डर। इस तरीके से जो है वो यहाँ पे मूव करते हैं। अगर इसको कंप्लीट करें तो यहाँ पे मेरे पास इस तरीके से जो है वो इंस्ट्रक्शंस जो है वो मूव करती हैं। और रियल लाइफ में भी सीपीयू भी क्या करता है, माइक्रो इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है एक एक करके। तो उन इंस्ट्रक्शंस को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं हम, बाई यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पाइपलाइनिंग। अगर यहाँ पे पाइपलाइनिंग ना हो तो कैसे होगा, कार वन आई, उसने ऑर्डर किया, पेमेंट की, रिसीव किया। कार टू आई, ना तो वो ऑर्डर कर सकती ना पेमेंट ना रिसीव। जब ये तीन काम हो जाएंगे उसके बाद वो ऑर्डर करेगी, पेमेंट करेगी, रिसीव करेगी। कार थ्री जब आएगी वो इन तीन टाइम तक कुछ भी नहीं करेगी, उसके बाद वो आके अपना ऑर्डर देगी, पेमेंट करेगी, रिसीव करेगी। तो अगर आप देखो यहां पे, अगर एवरी स्टेप टेक्स वन सेकेंड या वन मिनट, तो यहां पे अगर देखो यहां पे तो कितना टाइम लग गया मेरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 मिनट लगे। 9 मिनट बाद तीनों कारों का ऑर्डर भी हो गया, पेमेंट भी होगी और वो रिसीव भी कर गए। लेकिन अगर यहां पे देखें तो मेरे पास कैसे काम चल रहा है, सबसे पहले ऑर्डर, पेमेंट, रिसीव, पेमेंट, इस तरीके से। तो यहां पे अगर हम देखें, कार थ्री ने अपना काम कब कंप्लीट कर दिया, 1 2 3 4 5, मतलब 5 मिनट के बाद तीनों कारों ने अपना ऑर्डर, पेमेंट और रिसीव जो है वो कंप्लीट कर लिया। तो अगर हम एवरेज निकालें कि एवरेज टाइम कितना लग रहा है एक कार को अपना पूरा काम, प्रोसेस को पूरा एग्जीक्यूट करने में, तो यहां पे मेरे पास कितनी कार्स हैं, 3, तो टोटल टाइम कितना लगा, 9, तो 9 / 3 इट इज 3, मतलब ऑन एन एवरेज 3 मिनट लगेंगे हर एक कार को अपना सारा प्रोसेस कंप्लीट करने में। और ऑब्वियसली मतलब जितनी मेरी स्टेजेस है उतना ही मेरा टाइम लगेगा, एवरेज टाइम जो है वो मेरा उतना ही होगा। लेकिन इस केस में अगर आप ध्यान से देखो तो पहली कार को तो 3 मिनट लगेंगे पूरे, बिकॉज पहली कार तो है वो एक तरह से नॉर्मल सीरियली काम कर रही है। लेकिन दूसरी कार अगर आप देखो, पहली कार 3 मिनट बाद अपना काम कंप्लीट कर गई, लेकिन दूसरी कार जो है वो 4th मिनट कंप्लीट होते ही वो दूसरी कार का काम कंप्लीट हो गया। और तीसरी कार का काम कब कंप्लीट हुआ, जब 5 मिनट मेरे कंप्लीट हुए। तो टोटल टाइम कितना लगा, 5 मिनट्स। कार कितनी है, 3 ही है, तो यानी यहां पे मेरे पास कितना टाइम लगा, 5 / 3 विच इज 1.6 मिनट, अप्रोक्सीमेट 1.6। तो यहां पे अगर आप डिफरेंस देखें तो यहाँ पे मेरे पास सिंपल से एग्जांपल में भी डिफरेंस आ रहा है कि अगर मैं पाइपलाइनिंग को यूज करता हूँ तो मेरा ऑब्वियसली यहाँ पे परफॉर्मेंस जो है वो नियर अबाउट 2 times बिहेव कर रही है एज कंपेयर टू विदाउट पाइपलाइनिंग। और यही कॉन्सेप्ट जो है हम यूज करते हैं नॉर्मल सिस्टम्स में भी, जहाँ पे सीपीयू अलग अलग इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है, लेकिन वहां पे कॉन्सेप्ट किसको यूज करते हैं, हम पाइपलाइनिंग। तो इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग कैसे काम करती है रियल लाइफ में, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।